यू नो जो मैंने आपको बोला था कि दिस इज योर लास्ट लेक्चर ऑफ सॉलिड स्टेट एंड मोस्ट प्रोबेबली बहुत अब छोटे छोटे टॉपिक्स इसमें बचे हुए हैं, बहुत ज़्यादा हमें मशक्कत करने की जरूरत नहीं है। तो लेट अस कंटिन्यू आवर टॉपिक। तो आवर टॉपिक इज डिफेक्ट्स इन क्रिस्टल, और ये भी एक तरीके के अपने आप में इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि डिफेक्ट्स, और इसमें बहुत थ्योरेटिकल पार्ट है, बिलीव यू डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें, ठीक है। तो पहले तो आप समझिए आखिर किसी क्रिस्टल में डिफेक्ट्स क्यों आते हैं, तो इनकी कुछ वजह होती है, ठीक है। डिफेक्ट्स आने की वजह है, आपको पता होगा कि सॉलिड कैसे तैयार किया जाता है। अगर किसी लिक्विड को आप सडनली कूल कर दो या आप धीरे धीरे कूल करते हो, सडनली कूल करो तो अमॉर्फस सॉलिड बनेगा और धीरे धीरे करते हो तो क्रिस्टलाइन सॉलिड बनता है, ठीक है। और आपको मैंने ये बताया था कि इट डिपेंड्स किस किस कंडीशन को सॉलिड को तैयार किया जाता है, तो उस कंडीशन पे भी उस वजह से भी डिफेक्ट्स के होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। तीसरा दूसरा रीजन होता है इम्प्योरिटी। इम्प्योरिटी भी एक डिफेक्ट्स अपना एक मेजर रोल होता है, ठीक है। एंड नेक्स्ट थिंग बात करो टेम्परेचर। जितना ज्यादा टेम्परेचर ज्यादा होगा तो कुछ आयन क्या होंगे उस पर्टिकुलर क्रिस्टल से डिस्प्लेस हो जाएंगे और इस तरीके से एक तरीके में क्या बन जाता है, डिफेक्ट्स बन जाता है, ठीक है। तो ये बेसिकली मेन रीजन होता है डिफेक्ट्स ऑफ किसी भी क्रिस्टल में डिफेक्ट्स होने का, जो मेन वजह होता है ये तीन तीन वजह होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट अगर मैं समझाऊं तो अब आप सोचते हो सर डिफेक्ट्स किस टाइप का, मतलब शेप में कोई फर्क आ जाता है या किसी चीज में, नहीं ऐसा नहीं है। डिफेक्ट्स होते हैं, या भी आपको डिटेल में बताऊंगा मैं कि आखिर कितने टाइप के डिफेक्ट होते हैं, कौन किस डिफेक्ट से क्या होता है क्रिस्टल पे, ये भी एक एक चीज करके हम डिटेल में समझेंगे। तो लिख देता हूं डिफेक्ट्स इन द क्रिस्टल, डिफेक्ट्स इन द क्रिस्टल, क्रिस्टल अराइजेस, डिफेक्ट्स इन द क्रिस्टल अराइजेस बिकॉज ऑफ condition under which crystal is developed, under which crystal is developed, ठीक है। सेकेंड कंडीशन क्या है, इम्प्योरिटी। इम्प्योरिटी के वजह से भी क्या होती है, ये एक रीजन हो जाता है इम्प्योरिटी के वजह भी, ठीक है। तीसरा टेम्परेचर, ठीक है, because of temperature some ions may be displaced, some ion may be displaced, ठीक है। अब मैं बात करूं types of defect की, ठीक है, types of defects, ठीक है। तो ये दो type के होते हैं, टाइप ऑफ डिफेक्ट क्या होते हैं, दो टाइप के। एक होता है आपका पॉइंट डिफेक्ट होता है, ठीक है, एक होता है आपका लाइन डिफेक्ट होता है, ठीक है, एक होता है प्लेन डिफेक्ट होता है, ठीक है। हालांकि हमारे सिलेबस में लाइन डिफेक्ट और प्लेन डिफेक्ट नहीं है, बट आप इनका मीनिंग समझिए। पॉइंट डिफेक्ट मतलब किसी एक पॉइंट का डिफेक्ट होना, ठीक है। लाइन का डिफेक्ट मतलब अलोंग द पूरा लाइन ही डिफेक्टिव हो गया पूरे क्रिस्टल में, जैसे कि पूरा क्रिस्टल है ना ये एक दीवार, तो इसमें एक जो पूरा ईट होगा वो डिफेक्टिव पीस हो गया, मतलब कोई खराब ईट आपने पूरे एक लाइन में खराब ईट जोड़ दी, तो ये इस क्रिस्टल का डिफेक्टिव पार्ट हो गया, ठीक है। प्लेन डिफेक्ट मतलब इस पूरे प्लेन में आपने खराब ईट जोड़ दी, तो क्या हो जाएगा, क्रिस्टल थोड़ा कम मतलब दीवार कमजोर हो जाएगी, तो ये रूम कमजोर हो जाएगा। लेकिन आपने सिर्फ एक ईट खराब जोड़ी तो एक तरीके से क्या हो गया, पॉइंट डिफेक्ट हो गया। तो एक ईट खराब जोड़ने से कि रूम कमरे में क्या बहुत फर्क पड़ने वाला है, क्या नहीं पड़ने वाला, ठीक है, प्रैक्टिकली तो फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है, समझ में बात। तो ये होता है पॉइंट डिफेक्ट, लाइन डिफेक्ट एंड प्लेन डिफेक्ट, ठीक है। अगर बात करो पॉइंट डिफेक्ट, पॉइंट डिफेक्ट में एक्चुअली दो टाइप के डिफेक्ट होते हैं। पहला होता है स्टाइचोमेट्रिक, स्टाइचोमेट्रिक, और दूसरा होता है नॉन स्टाइचोमेट्रिक, स्टाइचोमेट्रिक, ठीक है। और स्टाइचोमेट्रिक वो डिफेक्ट होता है, द डिफेक्ट इन विच फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड, मतलब फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड रिमेन्स सेम, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें इसमें फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड सेम नहीं होता है, ठीक है। तो इसमें लिख देता हूं डिफेक्ट्स इन विच फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड, डिफेक्ट्स इन विच
इवन आफ्टर प्रेजेंस ऑफ डिफेक्ट, इवन आफ्टर प्रेजेंस ऑफ डिफेक्ट, कहने का मतलब है अगर डिफेक्ट प्रेजेंस भी क्रिस्टल में तो उसके फॉर्मूले पे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस टाइप के डिफेक्ट हम क्या बोलते हैं, इस टाइप के पॉइंट डिफेक्ट हम बोलते हैं स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड विल बी डिस्टर्ब्ड due to presence of this defect, ठीक है, due to presence of this defect। हालांकि आपने नॉन स्टोइकोमेट्रिक कंपाउंड आपने पढ़ा भी है, रेडॉक्स में हमने पिछले लास्ट ईयर कवर भी किया था नॉन स्टोइकोमेट्रिक कंपाउंड, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे Fe 0.93O। इसमें क्या होगा, मान लो इसमें ये बनता कैसे कि मान लो अगर 3 Fe plus 2 मैंने डिस्प्लेस कर दिया और इसकी जगह 2 Fe plus 3 डाला, तो इसके वजह से क्या होगा, इसके वजह से ये हो जाता कि भैया चार्ज तो बैलेंस हो जाता बट नंबर ऑफ एटम बैलेंस नहीं होता, इस वजह से ये डिफेक्ट होता है। और इसमें आपको मैंने बताया भी था Fe plus 2 का परसेंटेज कैसे निकालते हैं, Fe plus 3 का परसेंटेज कैसे निकालते हैं, ठीक है, इसका एवरेज एटॉमिक नंबर, एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर हमने निकाला था 200/93। अगर आपको शायद याद होगा तो आई होप सो, ये हमने लास्ट क्लास में लास्ट ईयर रेडॉक्स में ये पूरा कवर किया था इसको, इसके परसेंटेज Fe plus 2 का परसेंटेज कैसे निकालते हैं, Fe plus 3 का परसेंटेज कैसे निकालते हैं, तो बेसिकली हमने पहले कवर किया, बस हालांकि यहाँ पे था ये किस वजह से होता है, वहां पे सिर्फ हमने ये कवर किया था कि नॉन स्टोइकोमेट्रिक कंपाउंड होता है क्या, लेकिन किस वजह से होता है, यहाँ पे वजह होता है कि ये अगर पॉइंट डिफेक्ट हो जाता है, देखो बात को समझो, कहने का मतलब पहले तीन थे, तीन Fe plus 2 थे, उसमें से दो को फिलअप आपने कर दिया, दो को फिलअप किया आपने Fe plus 2 के, बट अभी भी एक पोजीशन तो खाली होगी ना उस क्रिस्टल में, तो वो पोजीशन किसके जैसे बिहेव करेगा, पॉइंट के जैसे बिहेव, पॉइंट डिफेक्ट के जैसे बिहेव करेगा, इस वजह से ये कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है नॉन स्टोइकोमेट्रिक कंपाउंड का। ठीक है, तो यहाँ तक अगर कुछ चीजें समझ में आ गई जो हमने लास्ट क्लास में किया था, अब एक एक चीज करते हैं डिटेल में समझते हैं। ठीक है, स्टोइकोमेट्रिक कंपाउंड की बात करता हूँ, स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट की डिटेल में। ठीक है, स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट में भी दो टाइप के होते हैं। ठीक है, एक एक करके डिटेल में सीखेंगे। ठीक है, पहले मैं क्रिस्टल ड्रॉ कर लेता हूँ, माइनस एक तरीके का क्या है, आइडियल क्रिस्टल है ये मेरा, क्या है, आइडियल क्रिस्टल। ठीक है, इसमें कोई डिफेक्ट नहीं है, प्लस कैटायन की जगह कैटायन है, एनायन की जगह एनायन, परफेक्ट क्रिस्टल है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, पहला स्टोइकोमेट्री में आता है शॉर्ट की डिफेक्ट, क्या आता है, शॉर्ट की डिफेक्ट, सॉरी मिस्टेक, शॉर्ट की आखिर शॉर्ट की डिफेक्ट होता है क्या। ठीक है, शॉर्ट की डिफेक्ट ऐसा होगा, ये इस शॉर्ट के नाम का साइंटिस्ट था, उसने ये डिफेक्ट को खोज किया था, उसने क्या ऑब्जर्व किया था कि अगर किसी क्रिस्टल में इक्वल नंबर ऑफ कैटायन और एनायन मिसिंग होते हैं, किसने इक्वल, जितना कैटायन मिसिंग हो उतना एनायन मिसिंग हो सकता है, एक कैटायन और एक एनायन मिस हो सकता है, दो कैटायन दो एनायन मिसिंग हो, इसके वजह से क्या होगा, इसके वजह से फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड रिमेन सेम होगा और क्या हो जाता है, और ये डिफेक्ट अराइज होता है, बस होता है कि इस डिफेक्ट में कि इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एनायन मिस होते हैं। अब दो तीन बातें समझो इसमें क्या होती है, जब इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एनायन मिसिंग होगी तो क्या डेंसिटी में फर्क आएगा, बिल्कुल फर्क आएगा, कैसे फर्क आएगा,
क्योंकि देखो जब कैटायन एनायन मूवमेंट जब मिस हो रहा है तो मास घट रहा है, वॉल्यूम ऑफ द कंपाउंड सेम रहेगा, वॉल्यूम एज लेंथ में कोई चेंज नहीं आएगा। अगेन आई एम रिपीटिंग, इसके एज लेंथ में कोई चेंज आएगा भले इसके मास में फर्क आ जाएगा, तो मास घटने से डेंसिटी घटेगी, ठीक है। तो इस डिफेक्ट से पहली चीज हमें क्या सीखने मिलती है कि अगर किसी कंपाउंड में शॉर्ट की डिफेक्ट है, ठीक है, पहली बात तो अच्छा समझो, ऐसा समझो किसी भी डिफेक्ट में आपको चार बातें हमेशा याद रखनी है। पहला कि ये डिफेक्ट का कौन सा टाइप है, ये डिफेक्ट होता क्या है। दूसरा कि इस पिक्चर ऑफ द क्रिस्टल आपको क्लियर होना चाहिए, अगर ये डिफेक्ट इस क्रिस्टल में हुआ या किसी भी क्रिस्टल में हुआ तो व्हाट इज द पिक्चर ऑफ द क्रिस्टल, ठीक है। अगर मान लो अगर ये शॉर्ट की डिफेक्ट है तो यहाँ से एनायन और यहाँ से कैटायन गायब हो जाएगा, यहाँ से एनायन गायब, कहीं से भी कैटायन गायब हो जाएगा, तो बेसिकली आपको पिक्चर क्लियर होनी चाहिए उस क्रिस्टल की। तीसरी बात क्या होती है कि ये किस टाइप के कंपाउंड में होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए भाई शॉर्ट की डिफेक्ट किस टाइप के कंपाउंड में होगा। और दूसरा अगर ये डिफेक्ट होता है तो प्रॉपर्टी क्या क्या चेंजेस होते हैं, ठीक है। तो पहले तो मैं बता देते ये टाइप कौन सा टाइप का डिफेक्ट होता है शॉर्ट के, तो ये डिफेक्ट कहता क्या है, तो ये टाइप कौन सा है, स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट है। और ये कहता क्या है, तो defects in which equal number of cations and anions are missing from their correct lattice site, ठीक है, समझ में आया। तो ये शॉर्ट की डिफेक्ट वो डिफेक्ट होता है जिसमें क्रिस्टल में से जितने जितने कैटायन गायब होंगे उतने ही एनायन भी गायब होंगे, उनको हम क्या बोलते हैं, शॉर्ट की डिफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें होता है क्या, ऐसा ही आपको दोबारा ड्रॉ करना, बट मेरे पास यहाँ ऑप्शन है, एक कैटायन गायब होगा और एक एनायन गायब हो जाएगा, अपने करेक्ट पोजिशन से एक कैटायन और एक एनायन क्या हो जाता है, गायब हो जाता है। आई बात समझ में, इसको हम क्या बोलते हैं, तो यहाँ पर वो क्या क्रिएट कर देता है, वैकेंसी क्रिएट कर देता है, क्या क्रिएट कर देता है, वैकेंसी क्रिएट कर देता है। एक बात समझ में, ठीक है। तो ये बेसिकली ये अब मेरा आइडियल क्रिस्टल नहीं है, अब ये क्रिस्टल है, क्रिस्टल ये कौन सा क्रिस्टल है, क्रिस्टल इन विच शॉर्ट की डिफेक्ट इन विच क्रिस्टल इन विच शॉर्ट की डिफेक्ट इज प्रेजेंट, ठीक है। ये वो क्रिस्टल है जिसमें मेरा शॉर्ट की डिफेक्ट प्रेजेंट है, मतलब कैसे पहचानेंगे, हो सकता है आपको डायरेक्ट डायग्राम दे दे बोल दे भाई कौन सा डिफेक्ट है, तो देखो पहचाने के तरीके, इक्वल नंबर ऑफ जितने कैटायन मिस होंगे उतने ही एनायन, एक कैटायन गायब हो तो एक कैटायन गायब हो सकता है, दो एनायन गायब हो तो दो कैटायन गायब, बट इक्वल नंबर में गायब होंगे, तो ये शॉर्ट की डिफेक्ट होगा। ये टाइप हुआ, ये इसका पिक्चर होगा, क्रिस्टल हुआ। अब दूसरा, अब ये किन दो बात हमें सीख ली डिफेक्ट में, तीसरी बात हमें क्या है, किस क्राइ कंपाउंड, तो ये उन्हीं कंपाउंड में होता है जिनका कोऑर्डिनेशन या साइज ऑलमोस्ट इक्वल हो, ये उन टाइप ऑफ कंपाउंड में होगा जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर या साइज और साइज ऑफ द एटम्स क्या होते हैं, कैटायन एनायंस के बराबर हो, ठीक है। तो डिफेक्ट्स इज कॉमन इन द कंपाउंड हैविंग कॉमन इन द compound having common in the compound having high coordination number and almost equal size of cation and almost equal size of cation and anion, ठीक है। इसका example कौन सा हो गया, alkali halide, generally ऐसे ये इस type के जो defect हो कौन से compound show करता है, alkali halide type, direct example ही पूछता है कि NaCl alkali halide मतलब NaCl KCl कौन सा type का defect show करता है, तो ये direct question भी आपसे JEE mains और NEET में पूछा जा सकता है। तो NaCl KCl याद रखना, NaCl KCl CaCl इस टाइप के क्या शो करते हैं, शॉर्ट की डिफेक्ट शो करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है इनका इफेक्ट, क्या क्या इफेक्ट होता है इनसे, ठीक है। पहला पॉइंट देखो, जब यहां से वैकेंसी क्रिएट हुआ तो एनायन का मूवमेंट होने का चांस अब
क्या हो जाएगा, बट अगर पहले जब यहाँ कटाई एन आयन था तो पूरा क्लोजली पैक्ड था, मतलब मूवमेंट एन आयन किसी भी आयन का मूवमेंट पॉसिबल नहीं था, लेकिन यहाँ जैसा वैकेंसी क्रिएट होगा तो कटाइन एन आयन का मूवमेंट की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी, इसका मतलब एंट्रोपी बढ़ता है। इस इफेक्ट से क्या होता है, एंट्रोपी एंट्रोपी विल इंक्रीज, रैंडमनेस बढ़ जाएगा। दूसरा डेंसिटी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। क्यों डेंसिटी क्यों घट जाएगी, देखो एक कैटायन एक एनायन घटने से या गायब होने से मास घट रहा है, मास घट रहा है तो डेंसिटी घटेगी, बट वॉल्यूम कांस्टेंट। एज लेंथ में अगेन मैं बोल रहा हूं, एक क्यूब में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस फर्क जो पड़ेगा वो मास से फर्क पड़ता है, जिस वजह से डेंसिटी घट जाती है। आई बात समझ में, तो याद रखना इस केस में जो डेंसिटी थ्योरेटिकल जो है वो लेस देन, वो क्या रहता है शायद, हाँ लेस देन, वो लेस देन रहता है डेंसिटी एक्सपेरिमेंटल, ठीक है। थ्योरेटिकल जो हम फॉर्मूला से लेंगे d इक्वल टू z इनटू na बाय z इनटू a बाय n इनटू a क्यूब, वो थ्योरेटिकली, तो थ्योरेटिकली की वैल्यू एक्सपेरिमेंट से क्या होती है, ज्यादा होती है, कभी-कभी हो सकता है परसेंटेज ऑफ मिसिंग आयन पूछ ले आपसे, तो कुछ नहीं इसका सम, इसका डिफरेंस ले लो, उसका d थ्योरेटिकल माइनस d एक्सपेरिमेंटल बाय d थ्योरेटिकल इनटू इनटू 100, जिससे आप क्या निकाल सकते हैं परसेंटेज ऑफ मिसिंग यूनिट या मिसिंग आयन भी आप निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से। कभी हालांकि पूछता नहीं है, बट याद रखने में कुछ नहीं जाता मैं। नेक्स्ट है, नेक्स्ट इफेक्ट क्या होता है भैया, अब देखो वैकेंसी क्रिएट हुआ है, मतलब ये किस टाइप का वैकेंसी, पी टाइप, इट विल एक्ट एज अ पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, बराबर होल, एक तरीके का होल जनरेट कर रहा है, तो जब भी होल जनरेट है तो वो किस तरीके कंडक्टर बनता है, पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर बनता है। हालांकि अगर आपको फिजिक्स में अगर ये पार्ट हुआ पी टाइप कंडक्टर सेमीकंडक्टर, आप जब पढ़ोगे तब उसमें आप डिटेल में आप पढ़ोगे कि किसी भी मेटल में या किसी भी चीज में आप अगर होल क्रिएट होता है तो इट विल बिहेव एज अ इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हमेशा पी टाइप कंडक्टर बिहेव करता है, क्योंकि यहाँ केसेसन पे करें पी टाइप, हमेशा रखना खाली जगह या होल हमेशा पी टाइप के जैसा बिहेव करता है, ठीक है। तो याद रखना कंडक्टिविटी ऑफ क्रिस्टल, कंडक्टिविटी ऑफ क्रिस्टल इंक्रीजेस, conductivity of crystal increases and it behaves as p-type of and it behaves as of p-type of semiconductor, ठीक है। तो ये overall आपका क्या था, Schottky defect था, ठीक है। second है आपका Frankel defect, ठीक है। फ्रैंकल डिफेक्ट में होता है कुछ नहीं, आयंस गायब नहीं होते, ठीक है। अब मैं फिर इसको रब कर दे रहा हूँ, ठीक है, अब मैं फिर इसको रब कर दे रहा हूँ। अगेन मैं आइडियल क्रिस्टल पहले ड्रॉ करूंगा, ये माइनस है, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब ये क्रिस्टल विच इज इन विच फ्रैंकल डिफेक्ट, अब फ्रैंकल डिफेक्ट किसमें होगा, देखो कैटायन अपने रेगुलर साइट को छोड़ के इस जगह पे आ जाता है, इस जगह पे, इसको हम बोलते हैं इंटरस्टीशियल साइट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इंटरस्टीशियल साइट बोलते हैं, इंटरस्टीशियल साइट होता है ये पूरा, ये जो पोजीशन होती है ना, ये जो गैप जो रहता है, इसको हम क्या बोलते हैं, इंटरस्टीशियल साइट। तो अपने रेगुलर साइट को छोड़ के वो कहां चला जाता है, इंटरस्टीशियल साइट में चला जाता है, और एक तरीके से फिर अगेन यहां पे क्या जनरेट हो जाता है, वैकेंसी जनरेट हो जाती है। आई बात समझ में, अगेन आई बात समझ में, इसका मतलब सीधा क्लियर पिक्चर क्लियर हुआ। डिफेक्ट्स के फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या होता है भैया, कैटायन एनायन गायब नहीं होते, कैटायन अपने रेगुलर साइट को छोड़ के इंटरस्टीशियल साइट में चला जाएगा, पहली बात। दूसरी बात क्या हो रही है यहाँ पे, अगर आप ध्यान से देखो कि क्या यहाँ पे डेंसिटी में कोई फर्क पड़ेगा, बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ने वाला डेंसिटी में, ठीक है। तीसरी बात, क्योंकि यहाँ पे वैकेंसी क्रिएट हो रही है, इसका मतलब कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी, इसका मतलब इट विल एक्ट एज अ पी टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है। वैकेंसी है, हो सकता है मैंने एक से ज्यादा भी हो सकता है, बट क्रिस्टल के बाहर ले जाएगा, कैटायन हमेशा इंटरस्टीशियल साइड में रहेगा, ठीक है। तो कंडक्टिविटी वाला पॉइंट हुआ, डेंसिटी वाला पॉइंट हुआ, ठीक है, और
एंट्रोपी, हाँ एंट्रोपी अगेन बढ़ जाएगा क्योंकि यहाँ पे जगह खाली है मतलब वैकेंसी है, तो इसका मतलब कैटायन एनायन का मूवमेंट के चांसेस क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। बट यहाँ पे एक चीज और है, क्योंकि सेम चार्ज वाले क्या हो रहे हैं पास में आ रहे, इस वजह से डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, अब ये किस टाइप के कंपाउंड्स होंगे, तो ऑब्वियस बात है कैटायन तभी इस पोजीशन में जा सकता है जब एनायन और कैटायन के साइज में बहुत ज्यादा डिफरेंस हो या कोऑर्डिनेशन नंबर का बहुत ज्यादा फर्क होता है, तभी उन कंपाउंड्स में केमिकल इफेक्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं मेरा डिफेक्ट्स इन व्हिच सम आयंस, डिफेक्ट्स इन व्हिच सम आयंस आर मिसिंग फ्रॉम देयर, मिसिंग फ्रॉम देयर करेक्ट लैटिस साइट, करेक्ट लैटिस साइट एंड ऑक्यूपाइज इन द पोजिशन ऑफ इंटरस्टीशियल, द पोजिशन ऑफ इंटरस्टीशियल इंटरस्टीशियल। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो गया फ्रैंकल डिफेक्ट के डेफिनेशन हो गए। ठीक है, सेकेंड, अब सेकेंड पॉइंट क्या है, किस तरीके के कंपाउंड में फाउंड इन दैट कंपाउंड विच हैविंग लार्ज डिफरेंस, विच इज हैविंग लार्ज डिफरेंस इन साइज, विच इज हैविंग लार्ज डिफरेंस इन साइज ऑफ कैटायन एंड एनायन। ठीक है, तो इसका एग्जांपल हम क्या, और हम ऐसा भी लिख सकते हैं फाउंड इन द कंपाउंड हैविंग लो कोऑर्डिनेशन नंबर, फाउंड और ऐसा भी लिख सकते हैं फाउंड इन दैट कंपाउंड हैविंग लो कोऑर्डिनेशन नंबर, लो कोऑर्डिनेशन नंबर वाले। ठीक है, एग्जांपल में याद रखना ट्रांजिशन मेटल हैलाइड्स। ठीक है, ट्रांजिशन मेटल हैलाइड जनरली फ्रैंकल डिफेक्ट शो करते हैं। एग्जांपल जैसे क्या हो जाएगा, CuBr, AgCl, AgBr, ठीक है, ZnS। ठीक है, याद रखना AgBr वो कंपाउंड होता है जो दोनों शो करता है, शॉटकी इफेक्ट भी शो करता है, फ्रैंकल डिफेक्ट भी शो करता है, इस पॉइंट को याद रखना। ठीक है, इफेक्ट्स क्या क्या होता है भैया, पहला एंट्रोपी क्या होती है मेरी बढ़ जाती है इससे, क्योंकि वैकेंसी क्रिएट हुआ, मूवमेंट के चांसेस बढ़ गए, रैंडमनेस के चांसेस बढ़ गए, मतलब एंट्रोपी बढ़ जाएगी। ठीक है, बट एक चीज कॉमन रहेगी क्या, डेंसिटी रिमेन कॉन्स्टेंट, क्योंकि क्रिस्टल के बाहर नहीं जा रहा, क्रिस्टल के क्रिस्टल में, इसलिए डेंसिटी क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट रहेगा। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट वैल्यू क्या जाती है इसमें, बढ़ जाती है, डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ऑफ क्रिस्टल विल इंक्रीज, डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट क्रिस्टल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी कंडक्टिविटी ऑफ क्रिस्टल इंक्रीजेस एंड इट बिहेव एज अ पी टाइप, एज इट बिहेव एज अ पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। ठीक है, पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर जैसे क्या करेगा, ये बिहेव करेगा, ये बात समझ आए। तो ये सिर्फ चार पॉइंट आपको क्या करने हैं, याद रखने हैं, समझ में। तो ये होता है मेरा फ्रैंकल डिफेक्ट और शॉटकी डिफेक्ट। ठीक है, एक और स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट में एक और डिफेक्ट बचा हुआ है, उसके बाद हम फिर नेक्स्ट टॉपिक में बढ़ चलेंगे।
ठीक है। नेक्स्ट होता है इंटरस्टीशियल डिफेक्ट, इंटरस्टीशियल डिफेक्ट में क्या होता है, जैसे एक तरीके में ये भी फ्रेंकल डिफेक्ट का ही है, बट फ्रेंकल डिफेक्ट में क्या होता था उसका ही कैटायन उसके इंटरस्टीशियल साइड में जाता था, बट किसी कंपाउंड किसी रेगुलर क्रिस्टल में उसके इंटरस्टीशियल साइड में कोई फॉरेन एटम आ जाए, मतलब कोई अदर एटम, मतलब किसी अदर मेटल का एटम उसके अंदर आ जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरस्टीशियल बोलते हैं, आई मतलब कोई स्मॉल फॉरेन एटम, ठीक है। जैसे आपने स्टील का एग्जांपल सुना होगा, स्टील क्या होता है, स्टील इज मेड अप ऑफ आयरन एंड कार्बन, आयरन और आपको पता हो स्टील ज्यादा स्ट्रॉन्ग है एज कंपेयर टू आयरन, इसका रीजन ये है क्योंकि जो कार्बन जो उसके इंटरस्टीशियल किसके आयरन के इंटरस्टीशियल साइड में जो प्रेजेंट है तो उसका एक्स्ट्रा ड्यूरेबिलिटी एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ एक्स्ट्रा मैलेबिलिटी प्रोवाइड करता है, दैट इज व्हाई स्टील इज बेटर देन आयरन, ठीक है। और ये एक एग्जांपल आपको इंटरस्टीशियल डिफेक्ट का एग्जांपल है स्टील, ठीक है। तो व्हेन सम स्मॉल फॉरेन एटम when some small foreign atom is trapped in the interstitial wire is trapped in the interstitial void of the lattice without any chemical reaction कोई फॉरेन एटम उसके अंदर आ जाता है तो उसको हम इंटरस्टीशियल डिफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है भैया, फॉर्मूला सेम रहता है, फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं आता है, फॉर्मूला रिमेन सेम हो जाता है। एंड डेंसिटी यहाँ पे क्या होता है कि बढ़ जाए, क्योंकि एटम एक्स्ट्रा एड हो गए इस वजह से डेंसिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाता है। दिस इज आवर स्टोइकोमेट्रिक इफेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है नॉन स्टोइकोमेट्रिक इफेक्ट, ठीक है। नॉन स्टोइकोमेट्रिक इफेक्ट इससे भी ज्यादा आसान है, इसमें वैसे डिफेक्ट है जो नाम से समझ में आ जाएगा। जैसे सर पहला टाइप ऑफ डिफेक्ट है मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनायन वैकेंसी। मेटल एक्सेस डिफेक्ट मतलब नाम से समझ में आ रहा है, ऐसे समझो बात को कि सपोज करो कि आपको ये पता होगा कि कैटायन किससे बना रहता है, कैटायन बना रहता है मेटल से, और एनायन किससे बना होता है, एनायन जनरली नॉन मेटल से बना रहता है। तो बात समझना, मेटल एक्सेस मतलब क्या होगा कि कैटायन का ज्यादा होना किस वजह से, एनायन के वैकेंसी की वजह से। मतलब क्या होगा कि भैया मान लो रेगुलर क्रिस्टल में से दो एनायन चले गए तो इसका मतलब आपके नंबर ऑफ कैटायन क्या हो गए, बढ़ गए, तो वही मेटल एक्सेस ड्यू टू एनायन वैकेंसी। दस इसका बस इतना ही मीनिंग है। As the name suggests, in this defect, some of the anions are missing from their correct lattice site, correct lattice site due to which metal क्या है, एक्सेस में है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं
ठीक है अब होगा क्या इसमें समझो बात को, अब इसमें ऐसा होगा कि ठीक है अब इसमें क्या होगा कि इसमें से यहां से एक एनायन और यहां से एनायन क्या हो जाएंगे गायब हो जाएंगे और एनायन वैकेंसी जनरेट कर देंगे, क्या जनरेट कर देंगे यहां पे एनायन वैकेंसी, ठीक है अपने करेक्ट रजिस्टर से एनायन क्या हो जाएंगे गायब हो जाएंगे, ठीक है लेकिन क्या होता है कि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलिटी तो क्या होनी चाहिए, देखो नाइन सैचुरेटेड कंपाउंड भले एटम की बराबरी नहीं होगी, हो सकता है कि एटम का हेयर पेयर हो जाए, देखो Fe 0.93 होगा मतलब क्या होता है Fe 0.93 का मतलब ये था कि भैया 3 Fe प्लस 2 गायब होगा तो उसकी जगह 2 Fe प्लस 3 आ गया, ओवरऑल बात क्या थी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी तो मेंटेन थी, तो यहां पे अगर 2 एनायन गायब हो गया उसके जगह पे हम क्या करते हैं 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है ऐड हो जाता है, कैसे हो जाता है वो समझा रहा हूं मैं आपको, हम एक एटमॉस्फेयर किसी मेटल का इसको जनरेट करके देते हैं जिस वजह से जब उस मेटल को हम हीट करते हैं इस क्रिस्टल के अराउंड में तो वो आयनाइज होगा और इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या हो जाता है ट्रैप हो जाता है, ठीक है तो बेसिकली इस इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अपने ये क्रिस्टल क्या करे अपनी इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलिटी को मेंटेन कर लेके इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगा ट्रैप कर लेता है, ठीक है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है ट्रैप हो जाता है, ये एनायन वैकेंसी जो है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है ट्रैप हो जाता है, इसको हम क्या बोलते हैं इसी को हम बोलते हैं एफ सेंटर बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम इसको एफ सेंटर, एफ सेंटर एफ का मतलब होता है फार विच इज जर्मन वर्ड, फार क्या है जर्मन वर्ड है जिसका मतलब ही कलर होता है, क्या होता है कलर होता है, ये बात समझ में चलो इस वो अपने आप करता है, आप सोचोगे ना कि इलेक्ट्रॉन कहां से आ गया, इलेक्ट्रॉन इस पहली बात इस क्रिस्टल को हीट किया जाता है किसी, ये मैं आपको भी समझा रहा हूं डोंट वरी अगर आपको नहीं समझ में आया तो अच्छे समझा रहा हूं, यहां पे क्या होता है कि किसी वजह से क्या होता है मान लो एनायन वैकेंसी जनरेट हो गया, ठीक है एनायन वैकेंसी कैसे जनरेट होता है कि जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल देता हूं, जैसे क्या होता है NaCl है, NaCl का क्रिस्टल है और इसको मैंने प्रेजेंस में रखा सोडियम के, किसके प्रेजेंस में रखा सोडियम, ये मैं एग्जांपल दे रहा हूं आगे मैं हालांकि समझाने वाला था, अब आप इसको हीट कर दोगे तो हीट करोगे तो आपको पता है सोडियम का सबसे लो आयनाइजेशन एनर्जी होता है, तो Na+ और एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, पहले ये स्टेप होता है आयनाइज होता है, अब यहां से क्या होता है Cl- यहां से इससे रिएक्ट करके Na+ Cl- रिएक्ट करके खत्म चलाता है, तो एनायन जो यहां पे वैकेंसी जनरेट हुआ तो यहां से ये क्या करता है इलेक्ट्रॉन ट्रैप कर लेता है और इस वजह से किसी भी कंपाउंड का जो कलर जनरेट होता है वो ड्यू टू बिकॉज ऑफ फार सेंटर की वजह से होता है, और जितना अब आप इसको हीट करोगे इसका मतलब इलेक्ट्रॉन क्या करेगा इलेक्ट्रॉन और हीट करते जाओ तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करेगा तो एनर्जी लोअर एक्साइटेड स्टेट से हायर एक्साइटेड स्टेट में जाएगा और जैसे ही वो तुरंत नीचे आएगा तो ऑब्वियस बात है डिफरेंट कलर के वेवलेंथ वो छोड़ेगा, उस वजह से किसी भी कंपाउंड का कलर का जो जिम्मेदार होता है वो बिकॉज ऑफ एफ सेंटर होता है, ठीक है तो लिख देता हूं टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, इसको फिलहाल समझाने के लिए मैंने आपको बताया था, ठीक है टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ द क्रिस्टल इलेक्ट्रॉन आर ट्रैप्ड इन एनायन वैकेंसी, ठीक है सेंटर इन विच इलेक्ट्रॉन आर ट्रैप्ड known as F center, which are responsible for color of compounds. ठीक है, जितने ज्यादा F center रहेंगे, उतना ज्यादा color की intensity रहेगी, ठीक है?
तो ग्रेटर ग्रेटर इज नंबर ऑफ एफ सेंटर इज नंबर ऑफ एफ सेंटर ग्रेटर इज नंबर ऑफ एफ सेंटर मोर विल बी इंटेंसिटी ऑफ कलर मोर विल बी इंटेंसिटी ऑफ कलर ठीक है नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है अगर सर बात को समझो इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है तो इसका मतलब ये क्रिस्टल किस नेचर का होगा पैरामैग्नेटिक नेचर का दिस इलेक्ट्रॉन आर अनपेयर्ड दिस इलेक्ट्रॉन आर अनपेयर्ड सो क्रिस्टल विल बी पैरामैग्नेटिक सो क्रिस्टल विल बी अब नेक्स्ट इसमें क्या पॉइंट हो सकता है कि अब इलेक्ट्रॉन है वो ऑब्वियस सी बात है कंडक्टिविटी इस क्रिस्टल की क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी और ये किसके जैसे देखो वहां पे वैकेंसी थी तो वैकेंसी हमेशा जब रहती है तो पी टाइप के जैसे बिहेव करेगा लेकिन अगर किसी वैकेंसी में इलेक्ट्रॉन ट्रैप्ड है तो हमेशा एन टाइप के जैसे बिहेव करता है ठीक है तो कंडक्टिविटी ऑफ क्रिस्टल कंडक्टिविटी ऑफ क्रिस्टल इंक्रीजेस एंड बिहेव एज एन टाइप बिहेव एज एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर बिहेव एज एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर ठीक है फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल याद रखना एक्सेस जब भी आपको समझाया एक्सेस ऑफ एन एक्सेस ऑफ एन ए इन एन ए सी एल इन एन ए सी एल मेक्स मेक्स इट येलो ठीक है फॉर एग्जाम्पल जैसे एक्सेस ऑफ के इन के सी एल मेक्स इट वॉयलेट ठीक है वॉलेट का कलर के प्लस से जो इलेक्ट्रॉन निकलता है उसके वजह से एक्सेस ऑफ एलआई इन एलआईसीएल एलआईसीएल मेक्स इट पिंक तो ये एग्जांपल याद रखना हो सकता है आपसे एग्जांपल भी पूछा जा सकता है ऐसा कुछ नहीं है ठीक है नाउ सेकंड जो डिफेक्ट आ रहा है वो हमारा है इसी टाइप का डिफेक्ट मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू इंटरस्टीशियल कैटायन ठीक है नाम से समझ में आ रहा होगा मेटल एक्सेस डिफेक्ट ठीक है ड्यू टू इंटरस्टीशियल कैटायन मतलब क्या अब यहां पे एनायन वैकेंसी नहीं होगी यहां पे कोई एक्स्ट्रा कैटायन यहां पे आ जाएगा फॉरेन एटम तो जिस वजह से क्या होगा मेटल एक्सेस हो गया मतलब कैटायन ज्यादा हो गया और अगेन ये एक तरीके का इसका डिफेक्ट का रीजन हो गया ठीक है तो इसमें क्या होगा अब यह इसी का एग्जांपल मैं दे रहा हूं यहां पे अब सेम होगा यहां पे माइनस यहां पे कुछ वैकेंसी नहीं जनरेट होती है एनायन वगैरह ठीक है यहां पे माइनस है ठीक है अब यहां पे क्या होगा कोई फॉरेन एटम यहां पे एंटायर प्लस दो बार आ गया मान लो हो सकता है एक दो तीन कितने भी आ सकते क्योंकि मैंने तो एक पार्ट लिया क्रिस्टल तो बहुत बड़ा होता है नंबर ऑफ साइड तो मैंने एक पार्ट लिया तो इनके इंटरस्टीशियल साइड में क्या हो जाएंगे एक्स्ट्रा कैटायन आ जाएंगे जिस वजह से क्या हो गया कैटायन ज्यादा हो गया एनायन कम हो गया मतलब मेटल एक्सेस डिफेक्ट हो गया ठीक है तो इन दिस डिफेक्ट सम एक्स्ट्रा मेटल आयंस आर इन दिस डिफेक्ट सम एक्स्ट्रा मेटल आयंस आर trapped in some extra metals ion are trapped in the interstitial due to which metal is in excess metal क्या है excess में होता है ठीक है अब इस electron को ऑब्वियस बात है क्योंकि क्रिस्टल का इलेक्ट्रिकल ड्यूटिलिटी क्या होना चाहिए
मेंटेन होना चाहिए, तो इस वजह से क्या होगा कि तो क्या होगा कि जितना जो कैटायन यहाँ पे मान लो दो कैटायन इंटरस्टीशियल में है तो इलेक्ट्रॉन बाहर से फॉरेन एटम के इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे यहाँ पे इंटरस्टीशियल साइड में चले जाएंगे टू मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल, क्योंकि यहाँ वैकेंसी तो मैंने जो इलेक्ट्रॉन ट्रैप हो तो इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाता है अगेन इंटरस्टीशियल वॉइड में चला जाता है, इस वजह से क्रिस्टल का इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहता है। ठीक है, तो टू मेंटेन इन दिस टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी electrons are trapped in another interstitial ठीक है। अब कंडक्टिविटी पे क्या फर्क पड़ेगा, बिल्कुल फर्क पड़ेगा कंडक्टिविटी पे, क्या फर्क पड़ेगा कंडक्टिविटी से, ये फर्क पड़ेगा इट विल बिहेव एज अ एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, इसके जैसा बिहेव करेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन है खाली। देखो पी टाइप तभी बिहेव कर सकता है, प्लस साइन देके ये मत बोल देना कि सर पी टाइप भी तो हो सकता है, नहीं हो सकता, पी टाइप सिर्फ एक ही कंडीशन में होता है जब कोई वैकेंसी या होल जनरेट हो, ठीक है, अगर नहीं है और इलेक्ट्रॉन है उसकी जगह पे तो हमेशा वो एन टाइप की जैसे बिहेव करेगा। ठीक है, कंडक्टिविटी ऑफ क्रिस्टल इंक्रीज, कंडक्टिविटी ऑफ क्रिस्टल इंक्रीजेस एंड बिहेव एज एन टाइप, बिहेव एज एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर है। ओके चलो, अगर मैं ये यहां तक आपको चीज समझ आए तो एग्जांपल के जैसे फॉर एग्जांपल की बात करूं ZnO, ठीक है, जब ठंडा होता है तो व्हाइट कलर का होता है, ठीक है, लेकिन ZnO अगर वही गर्म हो, यही जिंक ऑक्साइड गर्म हो तो ये येलो कलर का होता है, ठीक है, हॉट और कोल्ड, ठीक है, ठीक है, हॉट और कोल्ड, ठीक है, लेकिन अगर हाँ ठीक है तो यहाँ तक चीज समझ में, अगर जिंक ऑक्साइड को आपने गर्म किया तो ये क्या कर देगा, जिंक +2 दे देगा ZnO +2 प्लस हाफ ऑक्सीजन देके क्या करेगा जनरेट का +2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से दे देगा। तो अगर आपको क्रिस्टल में अगर याद होगा कि दो कैटायन अगर इंटरस्टीशियल साइड में है तो यहाँ से दो इलेक्ट्रॉन क्या चले जाएंगे अदर इंटरस्टीशियल साइड में चले जाएंगे। तो मैंने आपको भी बोला इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन होगी, क्यों, जब आप क्रिस्टल को, क्योंकि इंटरस्टीशियल साइड मान लो इंटरस्टीशियल साइड में कैटायन है तो जैसे हम हीट करते हैं तो वहां से बाहर से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा उसी क्रिस्टल में क्या हो जाता है ट्रैप हो जाता है, इस वजह से इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी क्या हो जाती है मेरी मेंटेन हो जाती है, क्योंकि यही दो इलेक्ट्रॉन उस इंटरस्टीशियल साइड में क्या होता है ट्रैप हो जाता है। तो ये आपको बेसिकली सेकंड टाइप का डिफेक्ट था। थर्ड टाइप का डिफेक्ट है, देखो दो जो डिफेक्ट था वो मेटल एक्सेस डिफेक्ट है, ये जो डिफेक्ट है तीसरा वो मेटल डिफिशिएंट डिफेक्ट है, ठीक है, मेटल डिफिशिएंट डिफेक्ट। डिफिशिएंट का मतलब अब एनायन ज्यादा होगा कैटायन कम होगा ड्यू टू कैटायन वैकेंसी। तो नाम से समझ में आया कैटायन क्या हो गया अपने रेगुलर साइड से चला गया होगा और जिस वजह से मेटल की कमी हो गई इस वजह से ये मेटल डिफेक्ट हो गया होगा, ठीक है। तो इन दिस डिफेक्ट सम पहले मैं ड्रॉ कर देता हूं, ये ठीक है, अब इसमें क्या होगा
कैटायन अपने रेगुलर साइड से चला जाएगा, ठीक है, और एक होल जनरेट करेगा, इस वजह से क्या हो जाता है, मेटल डिफिशिएंट इफेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो इन दिस डिफेक्ट सम ऑफ द मेटल आयंस आर, इन दिस डिफेक्ट सम ऑफ द मेटल आयंस आर, इन दिस डिफेक्ट सम ऑफ द मेटल आयंस आर मिसिंग फ्रॉम देयर, मिसिंग फ्रॉम देयर, मिसिंग फ्रॉम देयर करेक्ट लैटिस साइड, करेक्ट लैटिस साइड ड्यू टू विच मेटल इज डिफिशियंट, ड्यू टू विच मेटल इज डिफिशियंट, ठीक है। अब इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए क्या करते हैं, तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए हम क्या करते हैं, किसी हायर चार्ज वाले आयन को इसमें डोप करते हैं, क्या करते हैं, डोप। डोपिंग का आपने जैसे कहने का मतलब है कि जैसे यहाँ पे आपको सपोज करो प्लस प्लस दो प्लस, दो प्लस चार्ज हट गए, तो मैंने एक दूसरा फॉरेन मेटल को यहाँ पे डोप किया जिसका प्लस टू चार्ज था, इस वजह से क्या हुआ, आपका भले यहाँ पे वैकेंसी तो जनरेट रहा लेकिन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि अगर मान लो जिस NaCl का क्रिस्टल है तो यहाँ पे दो Na प्लस गायब हुआ, तो अगर मैंने क्या बोला Sn, Sn प्लस टू मैंने यहाँ पे डाल दिया, तो Sn प्लस टू की वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी तो मेंटेन हो जाएगी भले यहाँ वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी, अलग बात है, ठीक है। तो डोपिंग का मतलब क्या होता है, किसी फॉरेन एटम को इंट्रोड्यूस करना उसके अंदर, किसी भी फॉरेन एटम या हायर चार्ज वाले एटम को इंट्रोड्यूस करना, आई बात समझ। आपने थोड़ा बहुत देखा होगा एथलीट वगैरह डोपिंग टेस्ट करते हैं, किसी भी गेम करने से पहले डोपिंग टेस्ट उनका होता है। डोपिंग टेस्ट का मतलब ये होता है कि आपने फिलहाल पता नहीं शायद आपने सुना है कि नहीं, आज से 8-9-7-8 साल पहले एक एथलीट थे जिसके 7-8 गोल्ड मेडल थे, तो उसने जब अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी थी उसने कहा था कि इसने एक ड्रग्स वगैरह लिए थे, ड्रग्स वगैरह से क्या होता है शायद मे भी पता नहीं, एक्स्ट्रा एनर्जी वगैरह मिलती होगी। तो उनका जब डोपिंग टेस्ट पाया, जब डोपिंग टेस्ट किया गया उसके जस्ट तुरंत बाद, तो उसमें वो उसके वो पार्टिकल मिले उसके ब्लड में, वो सैंपल में वो रेस्ट्रिक्टेड टैबलेट मिली, और इस वजह से सारा मेटल सब छीन भी लिया गया। तो इस तरीके का हम क्या बोलते हैं, डोपिंग टेस्ट बोलते हैं, मतलब फॉरेन एटम का प्रेजेंस होना। तो एक तरीके फॉरेन एटम का प्रेजेंस है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन है, इसी को हम क्या बोलते हैं, मेटल डिफिशिएंट इफेक्ट, जिसमें इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी हम फॉरेन डोपिंग के द्वारा हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करते हैं, और वो भी कैसा, हायर चार्ज वाले आयन को इंट्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ द क्रिस्टल, टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ क्रिस्टल, सम अदर आयंस हैविंग हायर, सम Some other ions having higher positive charge is introduced in the crystal, and due to which some cation vacancy are created, and due to which some cation vacancy created. आई बात समझ में। Process of insertion of foreign atom को क्या बोला जाता है, doping बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, doping। ठीक है,
प्रोसेस ऑफ इंसर्शन ऑफ, प्रोसेस ऑफ इंसर्शन ऑफ फॉरेन एटम, प्रोसेस ऑफ इंसर्शन ऑफ फॉरेन एटम इज नोन एज डॉकिंग, इज नोन एज डॉकिंग, इज नोन एज डॉकिंग, ठीक है। और इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्योंकि मैंने क्या बोला, वैकेंसी क्रिएट हो गई, जिस वजह से यहाँ पे क्या होगा, पी टाइप का बिहेव करेगा, ठीक है। कंडक्टिविटी इंक्रीजेस, कंडक्टिविटी इंक्रीजेस एंड बिहेव एज पी टाइप ऑफ सेमी कंडक्टर, पी टाइप सेमी कंडक्टर की जैसे क्या करती है, बिहेव करते हैं, ठीक है। जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल होता है फॉर्मेशन ऑफ नॉन स्टोइकोमेट्रिक कंपाउंड, फॉर्मेशन ऑफ एनएससी नॉन स्टोइकोमेट्रिक कंपाउंड, जैसे Fe 0.93O, ठीक है, Cu 1.8S, मतलब Cu+2 के दो गायब होके अगर Cu+4 वाला, सॉरी +1 वाला दो गायब और Cu+2 वाला एक इंसर्ट कर दो, तो Cu 1.8S क्या कंपाउंड बनता है। तो इस तरीके के कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, नॉन स्टोइकोमेट्रिक कंपाउंड होता है, ठीक है। एक अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। अब क्वेश्चन समझो क्या है, इफ NaCl क्रिस्टल इज डॉक्ड, इफ NaCl क्रिस्टल इज डॉक्ड विथ 10^2 विथ 10-3 मोल परसेंट ऑफ SrCl2 of SrCl2, then calculate concentration of cation vacancies, then calculate concentration of cation vacancies in the crystal, ठीक है। चीजें समझो बड़े थोड़ा क्या, SrCl2 में, जैसे कहने का मतलब है, अगर मान लो Sr क्या होता है, प्लस टू फॉर्म में होता है, ठीक है। तो अगर मान लो इसका मतलब ये है, अगर दो गायब हुए और उसमें मैंने एक Sr प्लस टू डाला, तो इसका मतलब ये होगा कि एक कैटायन वैकेंसी होगा, एक फॉरेन एटम होगा। तो इसका मतलब जितने आपने Sr प्लस टू डाले होंगे उतना ही कैटायन वैकेंसी बनेगा। सपोज करो तीन Na प्लस मैंने गायब किया होता, अगर मुझे NaCl के अंदर Al+3 का डोपिंग करना है, इसका मतलब मुझे है कि एक Al+3 डालने के लिए मुझे कम से कम तीन कैटायन वैकेंसी जनरेट करना पड़ेगा NaCl के लिए, मानते इस बात को। अगर मैंने बोला, मैं बोल रहा हूँ कि भैया NaCl के अंदर आपको Sn+4 का वैकेंसी जनरेट करना है, इसका मतलब ये होगा कि एक Sn+4 को इंट्रोड्यूस करने के लिए, डोपिंग करने के लिए आपको चार Na+ की वैकेंसी करनी पड़ेगी, जिसमें एक Sn+4 चला जाएगा और तीन कैटायन वैकेंसी रहेगी। Al+3 में एक, तीन वैकेंसी में एक वैकेंसी क्या कौन ऑक्यूपाई करेगा, Al+3, तब भी दो कैटायन वैकेंसी होगी। इसका मतलब ये होगा, उसने क्या बोला, कैलकुलेट कंसंट्रेशन ऑफ कैटायन वैकेंसी। तो इसका मतलब सिंपल सी बात है, क्योंकि Sr+2 है, Sr+2 में समझे बात को, हो सकता था वो Sr+2 की जगह AlCl3 दे सकता था, हो सकता था वो SnCl4 दे सकता था। तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने का तरीका क्या होता है, तो याद रखना, ठीक है, सिंपल सी भाषा में। तो पहले तो आप क्या कर लो, पहले तो आप एक्चुअल में निकाल लो कि वन, क्योंकि कंसंट्रेशन हमेशा वन मोल के लिए निकाला जाता है, कितने मोल के लिए निकाला जाता है, वन मोल के लिए। आपको सर परसेंटेज दिया हुआ मोल परसेंट, मतलब 100 मोल ऑफ NaCl के लिए, 100 मोल ऑफ NaCl के लिए कितने मोल प्रेजेंट है, 10^-3 मोल ऑफ SrCl2, इतना प्रेजेंट है, क्योंकि मुझे तो 1 मोल के लिए निकालना है। तो 1 मोल ऑफ NaCl के लिए कितना प्रेजेंट होगा, 10^-3/100 ऑफ SrCl2, ये होगा। इसका मतलब ये है कि 10^-5 मोल ऑफ SrCl2 प्रेजेंट है, 10^1 मोल NaCl में 10^-5 मोल SrCl2 प्रेजेंट है। इसका मतलब नंबर कितने होंगे, नंबर कितने होंगे, तो Na से मल्टीप्लाई कर दूं, तो Na से मल्टीप्लाई करने पर 6×10^18 क्या हो जाएंगे, आयंस ऑफ SrCl2 मेरे पास है, ठीक है। अभी मैंने आपको बोला कि Sr+2 के कितने आयन हो जाएंगे, Sr+2 के आयन आपके पास हो जाएंगे 6×10^2
और जितना एसआर प्लस टू जनरेट होगा उतना ही कैटायन वैकेंसी जनरेट होगा। बात समझना, बात समझना से, जितना कैटायन जितना जितने वैकेंसी जितने साइड में एक एसआर प्लस टू जाएगा उसके साथ वो एक कैटायन वैकेंसी जनरेट कर रहा हूं, आपको देखने से भी समझ में आ रहा है। तो ओवरऑल बात यह है कि अगर इसके लिए एल प्लस थ्री दिया था तो मैं इसी तरीके से क्या करता था, नंबर ऑफ एल प्लस थ्री निकालता था और उसको क्या करता था मैं थ्री से मल्टीप्लाई कर देता नंबर ऑफ कैटायन वैकेंसी निकालने के लिए, ठीक है, सॉरी टू से, क्योंकि एक वैकेंसी तो वो कौन कर रखा है, एल प्लस थ्री ले ही रखा। एसएन प्लस फोर होता था तो मैं क्या करता था, टी चार चार पोजिशन, क्योंकि एसएन प्लस फोर को मुझे डोप करने के लिए चार एन ए प्लस निकालने पड़ेंगे, मतलब चार पोजीशन खाली करनी पड़ेगी, इसमें से चार कैटायन वैकेंसी खाली करना पड़ेगा, लेकिन उसमें से सिर्फ एक ही पोजीशन पे एसएन प्लस फोर जाएगा, इसका मतलब तीन खाली रहेगा। तो पहले मैं क्या करूंगा, पहले नंबर निकाल लूंगा उसको मैं थ्री से मल्टीप्लाई करूंगा, तो इस तरीके से आप कंसंट्रेशन ऑफ कैटायन वैकेंसी कैलकुलेट कर सकते हैं। ये एडवांस क्वेश्चन था, ठीक है जी, एडवांस आया हुआ था क्वेश्चन। आई होप सो सॉलिड स्टेट आपका खत्म हो चुका है, ठीक है। लास्ट जो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वो वाला क्या, फिजिक्स में पढ़ोगे कि बना एनसीईआरटी पढ़ लेना, फिर भी आपको नहीं समझ आता यू कैन आस्क मी, वो लेकिन वो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, हालांकि वो जेई वगैरह में उसके क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं, बस खाली एग्जांपल याद है कि एंटी फेरोमैग्नेटिज्म क्या होता है, फेरोमैग्नेटिज्म क्या होता है, ये सब फिजिक्स में पढ़ोगे और बस इनके एग्जांपल याद रखे कि एंटी फेरोमैग्नेटिज्म कौन सा होता था, फेरोमैग्नेटिज्म कौन सा होता था, पैरामैग्नेटिज्म कौन सा होता था, यही सब आपके सॉल्यूशन में, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।